न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। फर्रुखाबाद लोकसभा सीट की अलीगंज विधानसभा जो कि एटा जनपद में है, जिसके गांव खीरिया पमानरान में पुनर्मतदान जारी है। फर्रुखाबाद लोकसभा की बूथ संख्या 343 पर मतदान सुबह से ही लंबी कतारों में दिखाई दे रहे हैं। वहीं प्रशासन की एक पहल दिखाई दी, जिसमें एटा के एडीएम एसएसपी ने गांव में जाकर मतदाताओं से मतदान करने की अपील की है। माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आज जो है ये पोल जो निर्धारित हुआ था वो सुबह 5:30 बजे मॉक पोल प्रक्रिया से प्रारंभ हो चुका है और 7 बजे प्रारंभ भी हो गया था। मॉक पोल के समय एजेंट भी उपलब्ध थे। वर्तमान में मतदान पूरी शांतिपूर्वक चल रहा है। लोग घरों से आ रहे हैं, मतदान डाल के सकुशल वापस जा रहे हैं और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पुलिस लगाई गई हुई है। माइक्रो ऑब्जर्वर ड्यूटी लगी हुई, स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं, एक जोनल मजिस्ट्रेट लगे हुए, सेक्टर मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं। जहाँ से चिरगांव के ग्राम बरल का एक पूरा मामला, जहाँ पर विक्रम ढाबा के नाम से होटल है, जहाँ पर 13 वर्षीय प्रदीप सुबह 7 बजे जाता हुआ दिखाई दिया लेकिन घर नहीं पहुंचा। सीसीटीवी कैमरे में आते जाते उसे साफ देखा जा सकता है। दोनों बच्चे लापता है। ब्रजपाल का बेटा 16 साल का है, अपनी जिजा के यहाँ विक्रम ढाबे पर रहता था। साले बहनोई के दोनों बच्चे 13 साल प्रदीप और 16 साल प्रिंस ढाबे से मोट की तरफ जाते हुए कैमरे में कैद हुए लेकिन वापस नहीं लौटे। फिलहाल प्रार्थना पत्र दिया गया है। पुलिस लगातार उनकी छानबीन कर रही है। अच्छा ये बताओ, अभी जो बच्चे गायब हुए हैं आपके कौन है? वो हमारा एक लड़का है, एक हमारे साले का लड़का है, बड़े भाई। कितने वर्ष के हैं दोनों बच्चे? एक 16 वर्ष का है, एक 13 वर्ष का है। कहाँ गए थे बच्चे और कितना समय हो गया? वे वहीं सुबह ढाबे पे थे, वो ढाबे पे 7 बजे से फिर गुल है। कहाँ पे ये ढाबा? ये बरल और करगवा के बीच में विक्रम ढाबा। अच्छा ये बताओ, समय वो गायब हुई वहाँ कौन था? वहाँ हमारे पिताजी थे। तो ये बच्चे कहाँ जा रहे थे? वो वहाँ मोड़ तरफ जाते दिखे सीसीटीवी कैमरे में, फिर गाड़ियाँ खड़ी थी, फिर नहीं दिखे। रायबरेली में ग्रामीणों ने तस्करी के लिए जा रहे गौवंशों को पकड़ा। अंधेरे का फायदा उठाकर गौ तस्कर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। मामला उचार कोतवाली क्षेत्र के सवैया हसन गांव के पास का है, जहां गौ तस्कर ट्रक में गौवंशों को लादकर ले जा रहे थे। जानकारी मिलने पर ग्रामीण जब तक मौके पर पहुंचते उससे पहले ही वहां मौजूदा लोग मौके से भाग निकले, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर अज्ञात के विरुद्ध केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। रायबरेली में पारिवारिक जमीन विवाद के चलते आधा दर्जन दबंगों ने मां उसकी गर्भवती बेटी पर हमला कर दिया। दबंगों के हमले में जहां मां गंभीर रूप से घायल हो गई, वहीं बेटी का भी गर्भपात हो गया। मामला उचार कोतवाली क्षेत्र के खरौली गांव का है, जहां पारिवारिक जमीन विवाद के चलते आधा दर्जन से ज्यादा दबंगों ने बुजुर्ग गोमती देवी उसकी गर्भवती बेटी को जमकर पीटा है। हमले में मां गंभीर रूप से घायल हो गई है, बेटी का गर्भपात हो गया। थाने में सुनवाई न होने से नाराज पीड़ित महिलाओं ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। मारपीट हुई है, हमारे जेठ ने के लड़का 5-4 लोग, 4 जने जेठानी देवरानी पतो है, यही मारिन पतो है, उनकी जेठानी की जेठानी, 4 औरतें, 5 आदमी मारे नहीं हमको मिल गए। हम माँ बेटी का मारा है, माँ बेटी का, बेटी की तबीयत एकदम सीरियस है, पेट में बच्चे थे वो खराब होगा। 5 महीना का। सहारनपुर की थाना नागल पुलिस ने गौरव हत्याकांड का खुलासा करते हुए 3 हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में इस्तेमाल एक चाकू मोटरसाइकिल बरामद कर ली और सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सागर जैन ने पुलिस लाइन सभागार में पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि बीते दिनों पिंकी पुत्र सोम सिंह निवासी ग्राम ताजपुर थाना नगला से थाने में लिखित शिकायत देकर बताया था कि प्रेम प्रसंग के चलते फतेहपुर निवासी की युवती के परिजनों ओम सिंह, ललित, पिंटू, सचिन, विनेश, मौनी फतेहपुर कला थाना नगल से उसके बेटे गौरव की गला रेतकर हत्या कर दी थी। जी, 22 मई की देर रात्रि थाना नगल पर सूचना प्राप्त होती है कि एक ताजपुर वाले जाने वाले रास्ते पर एक सुनसान सड़क पर एक युवक का शव पड़ा हुआ है और उसके गले पर धारदार हथियार से चोट के निशान है और उसकी बाइक भी वहां मौके पर पड़ी हुई है। ये सूचना पर तत्काल थाना नागल की पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है, साथ ही फील्ड यूनिट एवं मेरे द्वारा और सीओ देवबंद द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया जाता है। जानकारी करने पर युवक की जो है शिनाख्त होती है पासी के गांव ताजपुर। कानपुर के गुलाबटोली थाना क्षेत्र के अंतर्गत अहिराना में रहने वाले लंदन वाल्मीकि और धीरेन्द्र वाल्मीकि, जो दोनों की आपसी रंजिश थी, जहां देर रात किसी बात को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई, जिस पर धीरेन्द्र ने लंदन पर ईंट से हमला कर दिया। घटना की जानकारी जैसे लंदन के परिजनों को लगी, घायल अवस्था में अस्पताल लेकर पहुंचे तभी उसकी मौत हो गई। वहीं घटना में पहुंची पुलिस ने मुख्य आरोपी धर्मेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है, संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस स्टेशन ग्वालटोली अंतर्गत अहिराना मोहल्ले में लंदन वाल्मीकि और जो है धीरेन्द्र वाल्मीकि के बीच में घरेलू विवाद और शराब पी करके आपस में झगड़ा हुआ और इसके बाद जो है बाकी के सिर पीठ से वार किया गया। 4 अस्पताल ले गए जहां पर नंदन वाल्मीकि डेथ हो गई है।
उसमें सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से देखा है। सामान्य लोकसभा 58 श्रावस्ती में सुरक्षित चुनाव संपन्न कराने में जिला प्रशासन नाकाम साबित हुआ। लोकसभा 58 श्रावस्ती जिले में धड़ल्ले से वोटिंग का फोटो और वीडियो वायरल हो रहा है। सपा भाजपा के निशान पर वोटिंग का वीडियो वायरल हो रहा है। कहीं सपा समर्थक तो कहीं बीजेपी समर्थक वीवीपैट मशीन का फोटो और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता का शव ससुराल में मिला। मृतक महिला रागिनी की 5 महीने पहले शादी हुई थी। मृतक रागिनी के दोनों पैर जमीन पर रखे हुए थे। लड़की पक्ष ने हत्या के बाद शव को लटकाए जाने का आरोप लगाया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत भीतर गांव का एक घटना। गंजरवाला नगर की सड़क हुई तिरंगा लाइटों से जगमग। तिरंगा लाइटें लगने से नगर की सुंदरता को चार चांद लग गए। नगर पालिका द्वारा खंभों पर लगवाई गई है तिरंगा लाइटों को लेकर लोग कर रहे नगर पालिका अध्यक्ष हाजी मुनव्वर हुसैन की काफी सराहना। गंजरवाला नगर के मुख्य मार्गों पर तिरंगा लाइटें लगवाई गई है। अज्ञात वाहन से टकराने के बाद शॉर्ट सर्किट से स्लीपर बस में आग लग गई। हादसे में बस चालक की मौके पर ही मौत हो गई। 11 यात्री सवार थे। मौके पर पहुंचे पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन, बस में फंसे लोगों को बाहर निकाला, सिफई मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया। सभी यात्रियों को दिल्ली लेकर जा रही थी स्लीपर बस। थाना चौबिया क्षेत्र के अंतर्गत आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर चैनल नंबर 118 के पास यह हादसा हुआ। एक तरफ आगरा में भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है तो दूसरी तरफ कैलाश महादेव मंदिर पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। कैलाश मंदिर के आसपास के घरों में पानी अचानक भरने लगा है। पानी का बहाव इतना तेज था कि कुछ देर तक लोगों को समझ नहीं आया कि इतना पानी आया कहां से। लोग बचाव कार्य में जुटे हुए हैं और अपने घरों से बाल्टियों से पानी बाहर निकाल रहे हैं। थोड़ी देर बाद लोगों को पता चला कि कैलाश महादेव मंदिर के पास पानी की पाइपलाइन फट गई थी, इससे लाखों लीटर पानी बह गया। लोगों के घरों तक रसोई तक पानी पहुंच गया। लोग घरों से बाहर निकल गए। इतना पानी देखकर लोग सकते में आ गए और घरों में पानी घुसने से रोकने लगे। जिनके घरों में पानी घुसा था वहां घरों से पानी बाहर निकालने में जुटे रहे। पानी का बहाव इतना तेज था कि घरों के साथ साथ कैलाश महादेव मंदिर तक पानी पहुंच गया था। दिल्ली में छठे चरण की वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। बता दें कि छठे चरण में 8 राज्यों और 58 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो रहा है। राजधानी दिल्ली में अभी 7 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। इसको लेकर दिल्ली में सभी पोलिंग बूथों पर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के जवान भी जो लोग बीमार हैं या फिर विकलांग हैं उनकी मदद कर रहे हैं। उनके सारा देखो ने पोलिंग बूथ के अंदर ले जाकर उनका मताधिकार करा रहे हैं। मैं इस समय मौजूद हूँ देश की राजधानी दिल्ली में और उस सीट पे मौजूद हूँ जो लगातार पूरे देश में चर्चाओं में है, यानी कि उत्तर पूर्वी दिल्ली की सीट। बता दें यहाँ उत्तर पूर्वी दिल्ली में 2 बार सांसद रह चुके मनोज तिवारी भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतारा है। दूसरी तरफ गठबंधन के उम्मीदवार कन्हैया कुमार यहाँ से उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी को टक्कर देने के लिए उतरे हैं और आप छठे चरण का मतदान यहाँ पर शुरू हो चुका है। बता दें कि 8 राज्यों में मतदान हो रहा है, 58 सीटों पर मतदान हो रहा है और मैं उस समय मौजूद हूँ उत्तर पूर्वी दिल्ली के एक मतदान पॉइंट पर। यहाँ पर तमाम मतदाता अपना मत अधिकार कर रहे हैं और लगातार मैं कुछ लोगों से बात करना चाहूंगा। क्या मुद्दों पे वोट डाला है? ये मैं पार्टी का नाम नहीं पूछ रहा, किस मुद्दों पे वोट डाला है? मुझे विकास पे वोट डाला है। हाँ, विकास पे वोट डाला है ना। हाँ, किसी पार्टी का नाम मेरा मतलब नहीं है। किस मुद्दे, क्या क्या मुद्दों से सोच रहे थे? जो सोचे अपने मन में रखते हैं। शिक्षा, विकास, क्या फायदा उसको कहने से? किस मुद्दों पे वोट डाला? विकास, विकास के लिए। हाँ। क्या वोट डाला? वोट डालने के लिए आए, जो अच्छा काम करे उसके लिए। किस मुद्दों पे वोट डाला? विकास के ऊपर, काम के ऊपर। हाँ, दिल्ली में जो सही काम करता है उसके लिए। विकास हुआ दिल्ली के अंदर? हाँ हुआ है। जो केजरीवाल ने करा वो किसी ने आज तक करा ही नहीं दिल्ली के अंदर, ये सच्चाई है। आगे क्या मुद्दे रहेंगे वाले? आगे मुद्दे ये रहेंगे, जो सही चलेगा उसी के लिए रहेंगे। अपना भी काम है। हम तो अपनी ये हमारी 2 रोटी सही चले और अपना काम चले, बस हमें और कुछ ना चाहिए दुनियादारी में। वोट डालने में कोई परेशानी अंदर? ना हमें कोई परेशानी ना, वोट डालने में कोई परेशानी ना, हमें यही परेशानी, एक तो काम ना है और दूसरा भूखे मर रहे हैं। अब राशन हमारे कार्ड है ना, कार्ड बंद कर दे तो काहे से खामे भैया, गरीब इंसान झुग्गी में रहने वाले हम। क्या मुद्दे सोच के आए थे? हम ये सोच के आए कि भैया हमारा जीत जाए और हम आगे बढ़ जाए। वोट डाल दिया आपने? नहीं डाल दिया। बस अब क्या बोलूं, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा। चलिए ठीक है, यहाँ पर तमाम मतदाता मौजूद हैं जो अपना अपना वोट डालकर आ चुके हैं, अपना अधिकार जो है जो मतदान केंद्र के अंदर अपना वोट डालकर आ चुके हैं। हर किसी के मन में अलग अलग मुद्दे हैं, किसी के मन में विकास का मुद्दा है, किसी के मन में शिक्षा का मुद्दा है। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिरकार राज तिलक किसका होने वाला है। देश की राजधानी दिल्ली में लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण का मतदान हो रहा है। दिल्ली में सुबह
9 बजे तक लगभग 9% मतदान हो चुका था। कई जगह मतदान देने के लिए मतदाता काफी उत्सुक नजर आ रहे थे। दिल्ली में सुबह से ही लंबी लंबी कतारें में लोग नजर आए, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली भीषण गर्मी का सितम जारी है। वैसे भी सभी लोग सुबह के वक्त ही मतदान करना ज्यादा पसंद कर रहे थे। दक्षिण दिल्ली और नई दिल्ली लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो क्रमशः दक्षिण दिल्ली में लगभग 9% मतदान, तो वहीं नई दिल्ली में लगभग 7% मतदान सुबह 9 बजे तक हो चुका है। तस्वीरें नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र हौस खास एनक्लेव एमसीडी स्कूल की है, जहां केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने मतदान दल आरिफ मोहम्मद खान ने कई मतदाताओं से बातचीत की है। ये देश जितनी जल्दी हम आशा कर रहे हैं उससे पहले ही विश्व की बड़ी ताकत बन के उभरेगा, और ये चुनाव जो है ये तो लोकतंत्र का त्यौहार है। जो सार्वभौमिक सत्ता है हमें याद दिलाता है कि सार्वभौमिक सत्ता का स्रोत इस देश का साधारण नागरिक है, और इसमें गर्व की अनुभूति होती है कि हम इस लोकतंत्र का हिस्सा हैं। हम इस जो आम बिल्कुल साधारण व्यक्ति की जो का जो अधिकार है हम उसका त्यौहार मना रहे हैं। उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के एक छोटे से गांव बोस बॉय से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक युवक जिसने पहले से 2 शादियां कर रखी थी, तीसरी शादी की तैयारी कर रहा था। दरअसल ये युवक उत्तर प्रदेश के जालौन जिले का रहने वाला है और पहले से ही 2 पत्नियों का पति था। उसकी पहली 2 शादियां कुछ साल पहले ही हो चुकी है, बावजूद उसने तीसरी शादी करने की योजना बनाई थी। युवक ने यह सोचा कि वो दोनों औरतों को धोखा देकर तीसरी शादी कर लेगा। तीसरी शादी के लिए युवक ने अपनी योजना के अनुसार झांसी जिले के बोसा बॉय गांव से एक लड़की को संपर्क किया। जितेंद्र लड़के उसके परिवार को यह बताया कि वह अविवाहित और शादी करना चाहता है। लड़की उसके परिवार ने उसकी बातों पर विश्वास किया। शादी की तैयारी से शुरू हो चुकी है, शादी का दिन नजदीक आ रहा था, सब कुछ योजना के मुताबिक चल रहा था, लेकिन इस बार जितेंद्र की चालाकी काम नहीं आई। पहले से शादीशुदा दोनों पत्नी विनीता और पूजा को जैसे ही शादी का पता चला वो झांसी जिले के सबरा थाने ग्राम बोसबोई पहुंच गई। लड़की के परिजनों के घर पुलिस के साथ जा पहुंचे, जहां उन्होंने पूरे वाक्य लड़की के परिजनों को सुनाया। हमारे पति तीसरी शादी कर रहे थे बसे वही गांव में जिगनी राठ। हाँ, हमसे दूसरी शादी की थी, हमें पता था, पर एक हमसे एक एक शादी की गई थी कि पहली पत्नी मर चुकी है, उसकी एक लड़की है। यहाँ पे वो तीसरी शादी कर रहे थे बस हो गई गांव में। हमें मोहल्ले वालों ने फोन करके बताया, तब हमें जानकारी की, तो एसपी साहब के यहाँ हो रही में हमने एप्लीकेशन दिया कल परसों के दिन, तो वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई। तो जाकर हमने एयर थाने में कहा तो वहाँ से दारोगा जी बोले हम मिलेंगे नहीं, हम अपने काम से बाहर जा रहे हैं आज। सदर बाजार कैंट में जहां घर में पली एक गाय को नगर निगम के लोग उठा ले गए। उसका बछड़ा घंटों से चिल्ला रहा था और कुछ खा पी नहीं रहा था। ये देख लोग काफी नाराज हैं। नगर निगम के लोग गाय को ले जा रहे थे तो गांव को पालने वाली महिला ने काफी गुहार लगाई, उसे नहीं छोड़ा। महिला ने मामले में कार्रवाई की मांग की। उसका कहना है कि गाय को नगर निगम के लोगों ने वापस नहीं किया तो उसका बछड़ा भूख से मर जाएगा, इसकी सारी जिम्मेदारी नगर निगम की होगी। महिला पहुंची आसरा एनजीओ के पास। जब महिला और आसरा एनजीओ गाय को छुड़ाने नगर निगम के पास कर्मचारियों के पास गौशाला पहुंचे तो कर्मचारी ने बताया कि 2000 की पर्ची कटेगी तब आपको गाय मिलेगी। महिला गरीब होने की वजह से 2000 देने में असमर्थ है। महिला ने अपनी गाय को वापस कराए जाने की मांग की है। सूत्र बताते हैं कि जब नगर निगम को बीमार गाय की सूचना दी जाती है तो नगर निगम कहता है कि सर कैंट मेरे इलाके में नहीं आता। एसएफ आगरा थाना हरिपर्वत पुलिस को बड़ी सफलता मिली। मध्य प्रदेश के पिस्टल सप्लायर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश खंडवा से आगरा लाकर पिस्टल सप्लाई करता था। अभियुक्त के कब्जे से 4 अवैध पिस्टल बरामद की गई है। 8000 में पिस्टल की खरीद, अच्छे दामों में पिस्टल सप्लाई करता था। मुरैना का रहने वाला है पकड़ा गया अभियुक्त। कोडवर्ड से होती थी पिस्टल की डिलीवरी। एसएफ आगरा और थाना हरिपर्वत पुलिस की ज्वाइंट कार्रवाई सफल हुई। थाना हरी पर्वत पुलिस और एसटीएफ आगरा इनको सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो कि भिंडका रहने वाला है वह अवैध पिस्टलें सप्लाई करने के लिए आगरा आया हुआ है। उसी क्रम में टीमें बनाई गई, उनके द्वारा कार्रवाई की गई। पकड़े गए व्यक्ति का नाम छोटेलाल कुशवाहा है, जो कि भिंडका रहने वाला है, उम्र 50 वर्ष, और यह उसके पास से हमें 4 पिस्टल मैगजीन के साथ 32 बोर, 4 एक्स्ट्रा मैगजीन, एक कीपैड और 560 रुपये बरामद हुए। उससे मैं और भी जानकारी मिली है जैसे कि वो कहां से लेके आया था, कहां मैन्युफैक्चर होती है। सोनभद्र में शक्तिनगर वाराणसी राजमार्ग पर इन दिनों सड़क सुरक्षा को देखते हुए संबंधित विभाग द्वारा सड़क पर व्हाइट पट्टी पेंटिंग कर रोड मार्किंग का काम किया जा रहा है। बता दें कि रोड मार्किंग प्रयोग में लाए जाने वाले केमिकल को पिघलाने के लिए घरेलू गैस के सिलेंडरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि नियमों का सरासर उल्लंघन है। घरेलू गैस के कनेक्शन आम आदमी के परिवार को भोजन बनाने के लिए उपयोग में आता है, इसे सरकार के द्वारा सब्सिडी छूट देकर आम जनमानस को लाभान्वित किया जाता है। इसका उपयोग व्यापारिक दृष्टि से करना जुर्म है। डिपार्टमेंट का काम है। अच्छा, ये ठेकेदार कौन है इसके? इधर देख के बात करिएगा। ठेकेदार का नाम नहीं पता है आपका? तो अपना नाम करा रहा है, उनका नाम जानते हैं। क्या नाम है उनका? धीरेंद्र। कहाँ के हैं? वैसे प्रॉपर जानकारी नहीं है, सिर्फ जैसे हम लोगों को टेंडर मिलता है बुलाया जाता है, टीम लेके आते हैं, काम करते हैं।
अच्छा, इसके पहले कहाँ कहाँ काम किए थे आप लोगों ने? काम बनारस में किए हैं, लखनऊ में किए हैं, बहुत जगह उधर साइड पूरे। पौड़ी के श्रीनगर शहर में नरभक्षी गुलदार का आतंक बना हुआ है। इसी बीच शुक्रवार की सुबह को वन विभाग के लगाए गए पिंजरे में एक गुलदार कैद हो गया। इसके साथ ही शहरवासियों ने राहत की सांस ली। बीते कुछ दिनों से शहर में गुलदार का आतंक बना हुआ था। इस दौरान दो बच्चों को भी अपना निवाला उसने बनाया था। आज सुबह 5 बजे टीम को सूचना मिली कि जो डांग क्षेत्र है जहां सूरज की शुक्रवार को घटना हुई थी, उससे 100 मीटर ऊपर जो हम लोगों ने पिंजरा लगाया था उसमें एक गुलदार ट्रैप हुआ है। टीम तुरंत मौके पर पहुंची और उसमें एक गुलदार जिसकी उम्र लगभग 6 साल है और उसका लिंग नर है वो उसमें फंस गया है, तो उसको जो है हम लोग यहाँ पौड़ी रेंज नागदेव लेके आए हैं। हरिद्वार के बादराबाद उद्योग क्षेत्र में स्थित ट्रांसफार्मर बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि आग उस समय लगी जब फैक्ट्री में निर्माण कार्य चल रहा था। अचानक आग लगने की खबर से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की 4 यूनिट ने 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मौके पर पहुंचे रानीपुर पुलिस ने भी जमा भीड़ को हटाया। फैक्ट्री में तमाम ट्रांसफार्मर रखे हुए थे जिसे चलते आग तेजी से भड़क उठी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार वेल्डिंग का काम चल रहा था जिससे निकली चिंगारी की वजह से आग लगी है। हमको सूचना मिलते ही मायापुर से हम पहला जो फायर टैंकर चला उसमें सवार होकर आए और जितने यथाशीघ्र हम यहाँ पहुँचने की कोशिश करी। यहाँ आके देखा तो इसमें चारों तरफ से ये धुएं से घिर चुकी थी फैक्ट्री और शटर ना खुलने के कारण थोड़ा सा विलम्ब हुआ, नहीं तो ये आग जो है और जल्दी बुझ जाती। सिडकुल की यूनिट पहुँच चुकी थी और हमने तत्परता दिखाते हुए इस शटर को, जो आगे का शटर था उसको किसी तरीके से आधा खोल के उसके नीचे से क्रॉलिंग करके अंदर गए और जो आग फैल रही थी उसको बुझाना शुरू करा। काहे की फैक्ट्री थी ये? इसमें वो जो बैटरी के जो वो बनते हैं ट्रांसफार्मर, छोटे ट्रांसफार्मर इन्वर्टर वगैरह में जो लगते हैं। चारधाम श्रद्धालुओं के साथ रजिस्ट्रेशन की फर्जीवाड़े में हरिद्वार जिले में पुलिस ने शुक्रवार को 7 मुकदमे दर्ज किए। इससे पहले शुक्रवार को भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। अब तक कुल 8 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। ट्रेवल एजेंसियों से लेकर CSC सेंटर तक पुलिस के रडार पर है। थाना कोतवाली क्षेत्र में और कनखल क्षेत्र में अलग अलग मामलों में कुल 8 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें जो फर्जी रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रेशन की डेट में एडिट करके, डेट को चेंज करके कई लोगों के द्वारा यहाँ पर आके और अपना आगे की जो यात्रा है उसको करने का जो इनका प्रयास था उसको पुलिस के द्वारा रोका गया है और उसमें पुलिस ने इसमें सख्त कार्रवाई करते हुए जितने जो हमारे ट्रेवल एजेंट्स हैं जो भी इसमें अभियोग में पाए गए हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। हमें कई जो लैपटॉप्स हैं, कई उनके जो कंप्यूटर्स हैं उनको भी सीज किया है। कोटद्वार पुलिस ने जन सहभागिता बनाने के लिए स्कूली छात्र छात्राओं के साथ मिलकर जागरूकता संदेश रैली निकाली। कोटद्वार कण्व नगरी नगर क्षेत्र के सरकारी गैर सरकारी स्कूली छात्र छात्राओं ने मुख्य मार्ग पर रैली निकालकर पुलिस के जन सहभागिता बनाने की अपील की है। छात्र छात्राओं द्वारा रैली में पुलिस द्वारा जागरूकता संदेश पर्चे भी वितरित किए गए। अपर पुलिस अधीक्षक जया बलोनी ने जानकारी दी कि उत्तराखंड पुलिस द्वारा ऑपरेशन स्माइल का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। गुमशुदा लोगों के बारे में किसी भी तरह की जानकारी पुलिस हेल्पलाइन के तहत जानकारी दी जा सकती है। जानकारी के बाद पुलिस हर संभव मदद करेगी। की ऑपरेशन स्माइल उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीम्स बनाई गई हैं और ऑपरेशन स्माइल का उद्देश्य है जो गुमशुदा बच्चे हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनके परिजनों से मिलवाना। तो इसी संबंध में आज स्कूलों की एक रैली का आयोजन किया गया था जो कि जागरूकता रैली थी और इसमें ही संदेश दिया गया कि जो भी गुमशुदा बच्चे हैं, महिलाएं, अगर उनके बारे में कोई जानकारी हो तो तत्काल हमको सूचित करें। इसमें जो हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं और जो HQ का नंबर है वो भी हमने उस पैम्फलेट्स में। अक्सर अपने फिल्मों में कैदियों को पत्थर तोड़ते हुए देखा होगा मगर जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं है। हरिद्वार स्थित जिला कारागार में बंद कैदियों को रोजगार देने की नई शुरुआत हुई है। यहाँ की जेल में बंद कैदी पत्थर नहीं तोड़ते बल्कि बेकरी प्रोडक्ट बनाने का काम करते हैं। जेल अधीक्षक मनोज आर्य के प्रयास से शुरू की गई बेकरी में बंद बिस्किट और रस बनाए जा रहे हैं। बहुत जल्दी बेकरी में केक, पिज्जा और बर्गर भी बनाए जाएंगे। फिलहाल कैदियों द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट जेल में ही कंज्यूम किए जा रहे हैं। बहुत जल्द हरिद्वार के बाजार में बिकते हुए भी ये नजर आएंगे। ये विगत माह पहले नवरात्रि के दिन हमारे द्वारा जो है जिला कारागार में बेकरी का स्टार्ट किया था और अब ये जो है पूर्ण रूप से क्रियाशील हो चुकी है और इसमें हम लोग वर्तमान में बंद बना रहे हैं, बिस्किट बना रहे हैं और रस बना रहे हैं और आगे भी अगर हम लोगों का प्लान है कि हम लोग यहाँ केक बनाएं, पिज्ज़ा बनाएं और बर्गर बनाएं और अन्य जो बेकरी आइटम है हमारा प्रयास रहेगा कि वो भी जो है इस कारागार में हम लोग बनाएं। बीजेपी जिला अध्यक्ष उदय प्रकाश त्रिपाठी और बसपा प्रत्याशी ददन खान के साथ श्रावस्ती बीजेपी विधायक जयम कृतिका शर्मा ने मतदान किया। वही लोकतंत्र के महापर्व में बीजेपी विधायक रामचरण पांडे ने भी अपने पूरे परिवार के साथ मतदान किया। सम्मानित लोकसभा क्षेत्र 58 श्रावस्ती के सभी सम्मानित मतदाता भाइयों बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं उनसे सिर्फ एक बात निवेदन कर रहा हूँ कि राष्ट्रहित में अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने अपने घरों से निकलें। पहले मतदान, फिर जलपान और राष्ट्रहित में
अपने मतों का 100% पोलिंग करवाएं और राष्ट्र के विकास में भागीदारी में अपना योगदान सुनिश्चित करें। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।